गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अब सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार ख़त्म हो गया है जो लखनऊ या लखनऊ के आसपास के रहने वाले थे। क्यों? क्योंकि भाई अब हम डेट अनाउंस कर रहे हैं शिक्षा महोत्सव लखनऊ की। शिक्षा महोत्सव जो लखनऊ है, शिक्षा महोत्सव लखनऊ आपका 29 और 30 अप्रैल को, कब है? 29 और 30 अप्रैल को है भाई, लखनऊ में होटल रेडिसन लखनऊ सिटी सेंटर है, जो आपका आपका रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर है, या बोल देंगे 3-3.5 किलोमीटर होगा। केसर बाग नाम की एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पे आपका होटल रेडिसन पड़ता है। रेडिसन होटल में आपका शिक्षा महोत्सव लखनऊ होने जा रहा है 29 और 30 अप्रैल को। अब सवाल आता है कि भाई शिक्षा महोत्सव लखनऊ में होगा क्या? यार देखो, जो शिक्षा महोत्सव लखनऊ है इसमें 2-3 एक्टिविटीज़ होंगी। पहली एक्टिविटी तो ये है कि जो बच्चे शिक्षा महोत्सव लखनऊ में आएंगे उन्हें जेई मेंस, नीट, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, कैट मैट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एक साल के लिए। क्या बोला मैंने? जो भी बच्चे शिक्षा महोत्सव लखनऊ में 29 या 30 अप्रैल को अपने पेरेंट्स, टीचर या दोस्तों के साथ आएंगे, उन बच्चों को हम एक साल के लिए कैट मैट, जेई मेंस, नीट, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, ये सारे कोर्सेस हम फ्री देने जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा महोत्सव लखनऊ में भाई अपने देश के सारे राज्यों से जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं, उनके करियर एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स आएंगे वो सब आपको बताएंगे कि आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। अभी आपके मन में सवाल होता होगा कि भाई मेरा क्लास 12th हो गया है, क्या हो गया? क्लास 12th हो गया है, अब क्लास 12th के बाद मैं क्या करूं? इंजीनियरिंग करूं तो किस ब्रांच से करूं, किस ब्रांच से ना करूं? अगर मैं मेडिकल की फील्ड में जा रहा हूं तो मैं कौन सा कोर्स करूं? मेरे पास कॉमर्स है 12th में तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई मेरे पास बायो, मैथ, कॉमर्स तो नहीं है, आर्ट्स है तो मैं क्या करूं? बहुत सारे सवाल होते होंगे ना मन में कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम बीटेक सीएस करें या फिर एआई करें, बीटेक मैकेनिकल ले लें या फिर सिविल ले लें। तो भाई जो ये सारा डिस्कशन है ना कन्फ्यूज़न वाला, ये कहाँ पे होगा? ये होगा शिक्षा महोत्सव लखनऊ में। अब बीकॉम वाले जैसे बच्चे हैं, बीकॉम फाइनल ईयर में जो है, अब उनके मन में है कि यार एमकॉम करूँ फिर या फिर एमबीए कर लूँ या पीजीडीएम कर लूँ, इन तीनों में क्या अंतर है? तो ये सब जो टेक्निकल बातें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ये कहाँ पर डिस्कस होंगी? शिक्षा महोत्सव लखनऊ में। तो मोटा मोटा लखनऊ में जो शिक्षा महोत्सव होने जा रहे हैं 29 और 30 अप्रैल को, 29-30 अप्रैल लखनऊ में कहाँ पे हो रहा है? होटल रेडिसन लखनऊ सिटी सेंटर में हो रहा है आपका शिक्षा महोत्सव लखनऊ। और इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें करने जा रहे हैं। पहली चीज़ करियर एडवाइस, करियर प्लानिंग, एडमिशन गाइडेंस। दूसरी चीज़ कुछ फ्री कोर्स हम आपको देंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, आपको पूछेंगी कि भाई आपको लाइफ में किस फील्ड में आगे जाना है, आपको जिस भी फील्ड में आगे जाना है उससे रिलेटेड वो जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको देंगे। फिर मान लीजिए आपको कोई डाउट है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना, तो भाई किस फील्ड में जाऊँ, किस में नहीं जाऊँ, कौन सी ब्रांच लूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूँ, इलेक्ट्रिकल लूँ या मैकेनिकल लूँ या मैकाट्रॉनिक्स लूँ, इन सब चीज़ों में अंतर बताया जाएगा। अब मान लो आपको एमबीए करना है तो एचआर में करूँ, फाइनेंस में करूँ, मार्केटिंग में करूँ, सप्लाई चैन मैनेजमेंट में करूँ, किस स्ट्रीम में करूँ, इन सब में आपको अंतर वहाँ पर समझाया जाएगा प्रॉपर लाइव। अब सवाल आता है कि सर हम क्यों आए शिक्षा महोत्सव में? यार देखो, अभी क्या है, जब आप सजेशन लेते हो तो किससे लेते हो? रिश्तेदारों से, बड़े भाई से, कोचिंग के टीचर से, राइट? अब यार देखो, इन लोगों को मे बी के चीज़ें अपडेटेड पता हो, मे बी के अपडेटेड चीज़ें पता ना हो। क्या चीज़? मे बी के अपडेटेड चीज़ें पता हो, मे बी के अपडेटेड चीज़ें पता ना हो। लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप शिक्षा महोत्सव में आओगे तो वहाँ पे जो भी करियर एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उन सारे करियर एक्सपर्ट्स को उन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से हर चीज़ का अपडेट होगा। तो वो लोग जब आपको गाइड करेंगे तो आपको अपडेटेड चीज़ें बता पाएंगे और प्रॉपर प्लान करके दे पाएंगे कि कैसे क्या आगे जाके किया जाए, आप कौन सा कोर्स करोगे, कौन से स्किल्स मिलेंगे, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, किस इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो आगे, तो ईच एंड एवरीथिंग का आपका वहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है। तो भाई अगर आपने इस साल 2023 में क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, तो आप शिक्षा महोत्सव लखनऊ को ज्वाइन करो, क्योंकि 12th के बाद आप अगले 3-4 साल पढ़ाई किस चीज़ की करोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये 3-4 साल की पढ़ाई है आपके लाइफ के अगले 40 साल को डिसाइड करती है कि आपके अगले 40 साल कैसे बीतेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इन 3-4 सालों में आप जो पढ़ते हो उसी से आपको जॉब मिलती है, उसी से लाइफ चलती है।
एक बात। दूसरी बात, बीकॉम हो गया है, बीएससी या बीए के बाद आपको लाइफ में आगे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो टाइम स्टार्ट होने वाला होता है जब जॉब का प्रेशर क्रिएट होता है घर से। तो मास्टर्स में क्या करें या फिर ऐसा क्या करें जिससे आपको ईजिली जॉब मिल सके, आप स्किल्ड बन जाओ, इन सब चीज़ों का डिस्कशन कहाँ पर होगा, शिक्षा महोत्सव लखनऊ में। तो भाई शिक्षा महोत्सव लखनऊ ज्वाइन करो तीनों ही कामों के लिए, करियर प्लानिंग के लिए, एडमिशन गाइडेंस के लिए, और जो हम कुछ कोर्सेज दे रहे हैं जेईई मेंस का, नीट का, कैट, मैट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और ये सब कोर्स का महत्व क्या है, यार देखो आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हम आपको कोचिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। आप देखो जैसे घर बनवाते हैं तो प्रॉपर मैप डिज़ाइन कराते हैं ना एक इंजीनियर से, क्यों हम चाहते हैं कि हमारा जो बेडरूम है वो सुंदर हो, हमारी किचन सुंदर हो, हमारा लिविंग एरिया सुंदर हो, प्रॉपर स्पेसियस हो, फ्यूचर के हिसाब से हो। तो जब हम सोचो, जब आप छोटा सा घर बनवाते हैं तो एक इंजीनियर को हायर करते हैं प्लानिंग के लिए, तो आपको नहीं लगता कि जिस पढ़ाई से आपकी पूरी जीवन चलने वाला है, जिस पढ़ाई से 3-4 साल की पढ़ाई से आपका पूरी ज़िंदगी चलने वाली है, आपको नहीं लगता उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है एक्सपर्ट्स के साथ। सो भाई आप लोग प्लानिंग कर पाओ एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, वो भी फ्री में, इसके लिए शिक्षा महोत्सव लखनऊ हो रहा है। तो आप लोग आएँ, लखनऊ के आसपास के जो भी शहर हैं, कानपुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है, अयोध्या है, फैजाबाद है, कहीं का भी बच्चा हो शिक्षा महोत्सव में आ सकता, फ्री है, सारे बच्चों के लिए फ्री है, पेरेंट्स के लिए फ्री है, टीचर्स के लिए भी फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी लेके आओ जो आपके क्लासमेट है, आपको कुछ नहीं करना आने के लिए, आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करो उस लिंक से, और अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं आप हमारी वेबसाइट में जाओ शिक्षामहोत्सव.com में, कहाँ पर शिक्षामहोत्सव.com में, स्पेलिंग बोल रहा हूँ SHIKSHAMAHOTSAV, देखो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं SHIKSHAMAHOTSAV.com। हमारी वेबसाइट क्या है, शिक्षामहोत्सव.com। आप सिंपली गूगल में सर्च करो शिक्षा महोत्सव, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा फ्री, उस रजिस्ट्रेशन लिंक में आप क्लिक करो, आप गूगल फॉर्म में लैंड हो जाओगे, वहाँ कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस से आप इवेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो, पेरेंट्स को लेके भी आ सकते हो, फ्रेंड्स को भी लेके आओ। तो भाई देखो हमेशा याद रखना, अगर एक अच्छा घर बनवाने के लिए छोटा सा, जो हम लाइफ में कई सारे घर बनवा सकते हैं, अगर घर बनवाने के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो यार जिस पढ़ाई से हमारी पूरी ज़िंदगी चलनी है, जॉब चलनी है, उसके लिए भी करियर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एडमिशन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। राइट कॉलेज, राइट कोर्स, राइट स्कॉलरशिप आपको पता चलेगी शिक्षा महोत्सव लखनऊ में। तो शिक्षा महोत्सव लखनऊ आप ज्वाइन करो 29 और 30 अप्रैल को होटल रेडिसन लखनऊ सिटी सेंटर में, राइट। तो भाई मिलते हैं, मैं खुद भी मिलूंगा लखनऊ में आपको, सो आइए, आप सभी का स्वागत है, सारे स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स का, कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव लखनऊ में। थैंक यू सो मच।